हम सुलिए हो, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ संजू फिल्म के फर्स्ट डे की ओवरसीज़ के कलेक्शंस के बारे में। जी हाँ, ओवरसीज़ के कलेक्शंस आ चुके हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ जो अपडेट अभी तक मिली है उससे आपसे ओवरसीज़ कलेक्शंस कितने हुए हैं। संजू मूवी के प्रॉपर ओवरसीज़ कलेक्शंस आप लोग के लिए मैंने प्रॉपर अपडेट कर दिया है मेरे ट्विटर हैंडल पर। यूनाइटेड किंगडम में इस फिल्म ने 1,40,000 यूरोज़ कमाए, यानी कि उसे मैंने कन्वर्ट किया करोड़ में इंडियन रुपीज़ में, तो 1.12 करोड़ आया। US कनाडा यानी कि जिसे हम नॉर्थ अमेरिका का सर्किट कहते हैं, वहाँ पर करीबन करीबन 8 लाख US डॉलर्स ने कमाई की, यानी कि 5.47 करोड़, जो बेहतरीन कमाई है। गल्फ़ में इसने अच्छा बिजनेस किया है, 6.16 करोड़ का कलेक्शंस किया। आपको बता दूँ गल्फ में मोस्टली खान्स की फिल्में चलती है, शाहरुख, सलमान, आमिर खान, उसके अलावा बहुत ही कम फिल्में चलती है। तो उस हिसाब से गल्फ़ का कलेक्शंस मैं कहूँगा बहुत शानदार है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कलेक्शन, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर 2 लाख के ऊपर, 2,65,000 के ऊपर ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसने कमाई की, उस करोड़ में नापे तो 1.34 करोड़, और इस तीन चार जगह का मिलाकर अगर सर्किट देखा जाए तो 14.09 करोड़ की कमाई की है। आपको बता दूँ 1,300 स्क्रीन्स पर ओवरसीज़ मार्केट में संजू रिलीज़ हुई है। ऑफिशियल प्रॉपरता से कलेक्शन ओवरसीज़ के अभी तक नहीं आया है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है, कई लोगों ने मुझे ये कहा कि 20 करोड़ के ऊपर कमाए, कई लोगों ने कहा 23 करोड़ के आसपास कमाया ओवरसीज़ में, बट मेरे पास ऑफिशियली कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है आपको बताने के लिए। इसलिए ये कलेक्शन अगर अपडेट होगा प्रॉपरता से तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन हाँ, मिनिमम इस फिल्म ने इतना कमा लिया है, ये प्रॉपर अपडेट है ओवरसीज का, 14.09 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन। कितने खुश है जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिलहाल कितना ही।